were younger than 14, and 13% were older than 65. Population in China shrank last year for the first time in more than six decades. Years of an aging workforce and a strict one-child policy have seen birth rates in China plunge to record lows. And the Chinese workforce, which has already begun to shrink, will shrink in a vastly accelerated way. And so China is going to face huge retirement costs and social security costs, healthcare costs related. एक चीज यहाँ पे नोटिस करिए आप सभी लोग जो IR और जो क्राइसिस और जियोपॉलिटिकल और इस टाइप के रिलेशन बनाते हैं, अभी इसमें एक चीज आप नोटिस करिए, पहले तो इनमें एक हुक टाइप का बनाने की एक कोशिश होती है, क्योंकि ये न्यूज है तो एक हाइप क्रिएट करते हैं, तो एक इंट्रो में एक न्यूज बनता है, ठीक है, जिसमें कि एक ट्रेलर टाइप का आपको लगेगा, ठीक है, ये हो रहा है। इस ट्रेलर में जो ये की एलिमेंट है, जैसे हॉवर्ड फ्रेंसिस स्पीकिंग समथिंग अबाउट, ठीक, जैसे ये कुछ बोल रहा है, तो अभी ये जो बोल रहा है उसमें इनके एडिटर्स जो शब्द बोल रहा है उससे रिलेटेड चीज दिखा रहे हैं, आप देखो थोड़ा सा इन्हीं को देखो। इनका प्रॉपर इंटरव्यू होगा नॉर्मल, लेकिन ये उसके एडिटर ने अपना रखा है, आप ये देखो इस चीजों को कितना क्वालिटी से देखो। देख रहे ग्राफिक का स्टाइल, खटाखट खटाखट पॉपुलेशन, क्या कौन सा ट्रिक इसमें कॉपी करने की कोशिश की गई है, ये एक पॉपुलर स्टाइल है कि पॉपुलेशन को हमने मार्क कर दिया, जैसे आपको यूके क्राइसिस में करना चाहिए या XYZ किसी भी IR या किसी भी फोकस में पॉपुलेशन को मार्क कर दिया, और देखिए ये दसियों सीन बदल डाले और पॉपुलेशन बस ही हाईलाइट हो रहा है, आप देखिए फिर से इसको, ये अच्छा नहीं बनाया, थर्ड क्वालिटी का है, मैं बता दूं ये बहुत सुंदर बनता है इफेक्ट, ये देखिए फिर भी देख लीजिए आप एक बार, समझ गए, हर जगह पे पॉपुलेशन ही वो हो रहा है, ये देखिए चैप्टर एनिमेशन चाहिए, ये इस सब चीजों को लेके आप लोगों को बहुत अच्छा होगा, थर्ड क्वालिटी का चैप्टर एनिमेशन है ये, थर्ड क्वालिटी से भी गिरा गया जरा, समझ रहे क्यों कह रहा हूं, ब्लरिंग है, सुंदरता नहीं है, कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, लेकिन आपको इससे बहुत सुंदर अपना बनाना है, इंक टेम्पलेट का फर्जी यूज है, सुंदर ही नहीं लग रहा, पता नहीं कैसे, थर्ड ग्रेड का ये उनके ऑलरेडी वर्क है, राइट गाइस, ये एग्जिस्टिंग वर्क होते हैं जिन्हें हमें सुधारना होता है, आप लोगों को इस लेवल से तो ऊंचा ही रह के स्टार्ट करना होगा, बिकॉज यहां से हमारा काम इसको करेक्ट करना है ना यार, इसको इस लेवल से कहीं किसी और अनोखे लेवल पे ले जाना है ना, तो दिमाग रखिए कि आपकी वीडियो नॉर्मल या ब्लैंक और ये क्लिप्स वाली नहीं चल पाएंगी आप लोगों की, समझ रहे, फ्लैट वीडियो वी डोंट वॉन्ट, फ्लैट वीडियो वी वॉन्ट, कॉम्पोजिशन वी वॉन्ट, थिंग्स वी वॉन्ट, एक्स्ट्रा वर्क, ओके चलिए स्टार्ट करते फटाफट, अभी मैं ये आपको रेफरेंस वीडियो सनसेट्स एज द ईस्टर्न जायंट, देखिए सनसेट दिखा दिया उसने, आप फिर से देखिए मैप में, क्राइसिस आ रहा था, देखिए रेड करता जा रहा है, कितना सुंदर वर्क लग रहा है, चाइनीज पॉपुलेशन क्राइसिस, अच्छा आप मान लीजिए इतना आफ्टर इफेक्ट आप लोग नहीं चला पा रहे हैं, ये बहुत बेसिक था जबकि, लेट्स से तो ये तो यार बेसिक वर्क है, कहीं फोटो आ रही थी तो कुछ अच्छे से बैकग्राउंड लगा के किया हुआ है, गवर्नमेंट इमरजेंसी बता दिया, कौन सी, चाइना स्क्रैप्ड इट्स डिकेड ओल्ड वन चाइल्ड पॉलिसी, दिस इज द गवर्नमेंट पॉलिसी, डिक्लाइन ऑफ पॉपुलेशन, देखिए उसने कितना सुंदर ग्राफ दिखाया, ये इनके एग्जिस्टिंग वर्क है, मुझे इसको बीट करना है, आपको इसको बीट करना है, और सी और आप सिर्फ फ्लैट फुटेज लगा दोगे तो कैसे काम हो पाएगा, देखा आपने कितना सुंदर ये कर रहा है, ये एग्जिस्टिंग है ई कॉमर्स एग्जिस्टिंग, देखिए एक और चीज सीखिए, जब आप कोई बहुत बड़ी चीज को इंडस्ट्री कह दी उसने, इंडस्ट्री में तो 50 इंडस्ट्री आ जाती है, तो अब आप कौन सी लगाएंगे, आप अपने मन की लगा देंगे, ऐसा नहीं होगा, उसमें देखिए उसने दो इंडस्ट्री ऐसे खोल दी, ऐसे आप भी दो सर्कल उसमें खोल लीजिए, दो इंडस्ट्री दिख गई, अदर नेशन स्ट्रगल विद द ओवर, देखिए इंडिया की बात आ गई, रामा स्टोर, देखा कितना अच्छा डेटा आया, बोला उसने 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, आप लोग कहते हो यस सर वी हैव सीन द रेफरेंस, दिस इज अ डिफरेंट चैलेंज,
The Dragon of the East is facing a population crisis born from one simple fact. The citizens of China are not having enough children. Low birth rates, once a mere inconvenience, now threatened to bring about the downfall of... जब भी आप लोग अपना PNG काटे तो इस तरह का थर्ड क्वालिटी का PNG काटने की जरूरत नहीं है, ठीक है? या तो पिक्सल कट से कर लीजिए या तो फोटोशॉप से तमीज से काटिए, ठीक है? ये देखिए पीछे कितना अच्छा नियॉन लाइट आ रही है। In this video, we will delve into... कितना बढ़िया इंक स्प्लैटर है। The origins of this crisis. बस इनके अंदर ये प्रॉब्लम है कि इनकी क्लिप्स अच्छी नहीं है, मतलब इनकी जो रेजोल्यूशन है वो अच्छी नहीं है। टेम्पलेट डाउनलोड कर लो यार, 1000 करोड़ जगह पड़ रहा है, येलो से जो लाइन आ रही है, बच्चों से कांटेक्ट करो, अपने ग्रुप को फॉर्म करो, बात करो, भयंकर सब्सक्रिप्शन टेम्पलेट चीजें सब कुछ अवेलेबल है। We'll also examine the social and economic implications on China as the ramifications of this crisis continues to unfold. Join us as we embark on a journey to unravel the mystery of China's population crisis. इंक स्प्लैटर है, छोटा सा है, चीजें इससे देख के इंसान सोचता बड़ा है, बहुत बड़ा काबिल है यार, समझ रहे हो? तो जरी सी चीज लगाने में क्या प्रॉब्लम है? For the potential fate of this ancient civilization. अब देखो उस वो हेडिंग था, वो चैप्टर एनिमेशन नहीं था। यहाँ पे आप इंसानों को चैप्टर एनिमेशन होना चाहिए, द बर्थ ऑफ द क्राइसिस एंड हाउ द डिक्लाइन इन द बर्थ रेट्स कमेंस्ड, राइट? अब यहाँ पे क्या होता है, बेहतरीन सा चैप्टर एनिमेशन आता, हम लोग बनाते हैं सब में, लेकिन देख लो फिर भी ये डिसेंटली स्टाइल में जा रहा है। ये 8mm फ्रेम है, ये आप अपनी जगह कुछ जगह लगा दीजिए। ये किस लिए लगा रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि उसको पता है कि इतनी बड़ी वीडियो वैसे ही फटी जा रही है, और एक्सप्लेन कर और वो स्ट्रेच कर देंगे और खराब हो जाएगी, तो उसने फ्रेम के अंदर रख दिया, ठीक है? इसी तरीके से मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास। In the late 1900s, faced with a giant problem of overpopulation, China found itself at a crossroads. लेट्स अब जल्दी जल्दी डेटा देख लेते हैं कहाँ इन्होंने दिखाने की कोशिश करी, कहीं डेटा वेटा दिखाया है इन्होंने? देखो एक थीम बना लिया और इस चीज से डेटा दिखा रहे हैं। इस तरह का मिनिमम वर्क चाहिए मुझे, ये इसमें है कुछ नहीं जो आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना? देख रहे हो कितना बढ़िया वो डेथ समझा रहा है, अनफॉर्चुनेट डेथ है, ये 3 childs हैं, 2 childs हैं, इतना यार सीख लो, ये बहुत बेसिक है। The one-child policy, China was not producing enough children to replace its aging population. The result is a complex problem of low birth rates and an aging population. इन्होंने एक ही तरीके से बार बार समझा रखा है। ये बैकग्राउंड ले लो, बहुत इजी है, खुद बना लो आफ्टर इफेक्ट में फटाफट। एक स्क्वायर आपको ग्रिड लेनी है और पीछे कोई भी वो लगा देना है, बन गया। ये इनके साइड में कलर हो गया, ये कागज वाला एनिमेशन चल रहा है, ये येलो वाला वो है। देखो उसने सिंगल मैन हु आर अनलाइकली टू फाइंड अ वाइफ इन द फ्यूचर एंड इसने क्राई करके उसका सेट बना दिया। एक ये इफेक्ट देखिए आप लोग ध्यान रखा करिए, किनारे किनारे एक मार्क मास्क बना लीजिए, उसको गॉशियन ब्लर से या किसी से भी ब्लर कर लीजिए थोड़ा सा कभी कभी। ये भाई ये नहीं पूरी मूवी में यही लगा डाला। With an increasingly large population of bare branches, causing the government's anxieties over surplus men are further reinforced by a growing market was a hidden danger for society. And ये देखो एक ऐसा कोई टेम्पलेट बना लो, कोई चीज रख लो, इसमें क्या है कि हमें तो कुछ अनोखा दिख ही नहीं रहा है, और उस पर लिख दो, हम लोग को इसको बीट करना है, यहाँ से शुरू नहीं करना है, समझ रहे हो ना? यहाँ से आगे ले जानी गाड़ी। अभी मैं आपको कुछ अच्छी वीडियो का भी एग्जांपल शेयर कर देता हूँ। आई एम वेरी लिटरली स्कार्स इन टाइम, और आपको खुद ही दूसरी वीडियो से देख के समझना चाहिए। ये देखिए ये डेटा रिप्रेजेंटेशन सीख लीजिए। The country's population grew to 1.41 billion. ये गोला बनाना सीख लीजिए। In the decade ending in 2020. समझ रहे हैं? पाई चार्ट, टाइमलाइन, ये सब बनाना बेसिक जरूरी है। Is the implementation of the one-child policy. और आप विश्वास नहीं मानेंगे कि इसको आप वीडियो या किसी और तरीके से दिखाएंगे इसी चीज को, तो पहले तो वो फ्लैट हो गया और किसी को रेलेवेंस नहीं क्रिएट होगा। दूसरी बात है कि उसमें टाइम लगेगा, इसमें टाइम नहीं लगेगा। एक बार आपके पास टाइम लाइन, एक बार आपके पास पाई चार्ट बना हुआ था, आपने 70% डाला, उसमें 60 से गोल घूम गया, इतने परसेंट 1.4, इसमें लिखने में टाइम लग रहा है कि नई नई चीजें ढूंढने में टाइम लगेगा, आप बताइए खुद, समझ रहे? डोंट गो फॉर फ्लैट वीडियो। अब 72 मिलियन पीपल ढूंढ रहे हैं एडेड, मतलब समझ रहे ना? ये रिलेट कर रहा है, किसी को समझ में आ रहा है, समझ लीजिए। दिस इज कॉल्ड डेटा इलस्ट्रेशन। 5.38% इंक्रीज एंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ ओनली 0.53% एज दे पेंट द डायर पिक्चर फॉर चाइनीज फ्यूचर।
According to the National Bureau of Statistics, the country's aging population will soar to a staggering 330 million by 2020. देखो उसे हाइड भी हाइलाइट भी कर दे रहा है, पहले खुद लिख रहा है अकॉर्डिंग टू चाइना, उसने देखो टेम्पलेट बना लिया, उसको टाइप भी करवा करके कॉपी पेस्ट मार दिया, फिर उसको हाईलाइट भी कर दिया, ऐसा लग रहा है न्यूज के अंदर देख रहे हैं। 30, a full one-fourth of the overall population. This means that a significant financial of the population. ये देखो इनकी क्वालिटी बड़ी गंदी है, बाकी इनका जो ये चीज है, अगर यही सोचो आप लोग के लिए सीख है, कोई भी पीएनजी गंदी तरीके से मत काटिए, समझ रहे हैं आप, समझ रहे होंगे मेरी बात, इसको लो क्वालिटी में रखेंगे तो बहुत खराब होगा। कितना खराब लग रहा है कि ये चीज हाई अच्छी क्वालिटी में है, पीछे ली ये देखिए और इनको देखिए, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया, पहले इतने को समझिए आप लोग, तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके थैंक यू।